जूता निकाले किसमें ले रहा रामपुर कला की तरफ से 50 रुपए व्यवहार दे रहे। धन्यवाद। एलर्जी तेरा क्या नाम है? मैडम चित्रकला। देखिए हाँ, ऐसा कीजिए जब कभी आप अपने घर से टहलने निकलना हाँ, तो साथ में सहेलियों को लेकर के निकलना। कभी यहाँ के हो सहेली थी नहीं हाँ, मेरे पास सहेली नहीं थी, मेरा मर कर रहा था इसीलिए आई थी। मैं बहुत परेशान हो गई, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। आज के बाद अगर निकलूंगी तो 2-4 सहेलियां लेकर निकलूंगी। ठीक है, हरामी लोग पैदा है यहाँ, चलो शेयर करेंगे बल्कि दोस्ते हैं। आप अपने घर जाइए और मैं भी चल रहा हूँ। तुमने मेरा नाम पता तो मालूम कर लिया। जी हाँ। अपना नाम नहीं बताया। लोग मुझे जीवन के नाम से पुकारते हैं। यानी तुम्हारा नाम जीवन है? जी हाँ। किस जगह पे रहते हो? किस जगह? मैं जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करो आपने मेरी मदद किया। मैं जिसको पैसे देना है अभी आधे घंटे के बाद ड्रामा खत्म हो जाए, गाने को क्यों परेशान हो भैया? ठीक है, झूठ बोला जाएगा लेकिन आधा घंटा जैसे आधे घंटे का ड्रामा बचा है। लिखवा देना यार। ऐसा करो तुम्हारा नाम जीवन है? जी हाँ। आज से मैं तुम्हें जीवन बाबू कहूंगी। क्या जीवन बाबू कहोगी? जी हाँ। अरे कुछ भी कहो क्योंकि मुझे टाइम हो रहा है मेरी माँ। लेकिन तुम ये बताओ किस काम से निकले थे यहाँ, कैसे आए? मैं नौकरी की तलाश में जा रहा था। नौकरी? हाँ। और नौकरी मिली नहीं है? अभी तक नौकरी नहीं मिली। कहो तो मैं दिला दूं नौकरी। यानी आप नौकरी दिला देंगे? मेरे पास मेरे बहुत सा काम है, तुम कर नहीं पाओगे, करते करते मर जाओगे, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। तुम्हारे घर नौकरी मुझे मिलेगी। तुम्हारे घर मुझे नौकरी नहीं करना है। अगर हमारे साथ नौकरी नहीं करोगे बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? गड़बड़ ही हो जाएगा कि जो मैं चाहूंगी वही होगा। अपने से यानी आप जो चाहेंगे वही होगा। तो ठीक है, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ लेकिन मेरे साथ में कुछ करोगे नहीं तब तक नहीं। तुम्हारे साथ में कुछ करो यार। तुम्हारा क्या करे? वही जो सबको उसको इधर से मारेगा तुमको इधर से मारेंगे। मारो नहीं, मैं तो वैसे ही मरा सी बैठा। कितनी बेशरम है तू? क्या शरम होती, कहाँ तो कपड़ा है यार। कितनी गंदी है? नहीं गंदी हम नहीं है, नंदा है जमाना। इस गंदगी की राह से सबका हुआ है आना। अगर गंदगी नहीं पसंद होती खुदा और भगवान को तो हम जैसे इंसान को नहीं पैदा करते। मुझसे अच्छा तो वही था, बिल्कुल हट्टा कट्टा था वो मॉडल। हाँ, वो कुछ नहीं कि कोई भाई का यार, तुम ही कर सकते हो यार। देख, मैं तुझसे प्यार कर सकता हूँ लेकिन ऐसा ना हो कि आज तूने मुझको देखा है और कल कहीं मुझसे
अच्छा लड़का मिल जाए तो मुझे छोड़ करके उससे दिल लगा ले। ऐसी बात करते हो, माउंट पर लाद की ठोकर मार दूंगी और क्या, तुमसे अच्छा कोई हो सकता है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत में धोखा है, मोहब्बत करने वालों को सदा रोते देखा है। मिलो तो ऐसे मिलो, दिल मिलने पे मजबूर कर दे। मिलो तो ऐसे मिलो, दिल मिलने पे मजबूर कर दे। आप दिल में गिरी लगाओ कि वो ठाला में कहने से मजबूर तो एक दूसरे से बाबू नाम है, जीवन नाम है।
जीवन बता रहे हो तो जीवन बाबू, जीवन बाबू रघो बाबू, जीवन बाबू, जीवन बाबू। हमका लागत है मंजिल कम किराया कहे ज्यादा है। कम मंजिल कम किराया क्यों ज्यादा है? सारे इसका मतलब हम समझे नहीं। ऐसे बात कोई बात नहीं है, ऐसे बात है। चलो पीछे आना सारे, तुम अपनी कथा की बात करो। आप इसका तो नहीं बात है, बता बेटी। ये लड़का यहाँ पर कैसे आया, इसको क्यों लेके आए हो? इसलिए कि इसे नौकरी की जरूरत थी। नौकरी की जरूरत? और आपको नौकर की जरूरत थी। अरे हमारे पास में बहुत से नौकर है। अरे नहीं मीरा जी, आप देखिए कह रहे थे कि बेटी को अगर नौकर अच्छा सा मिल जाए उसे बहुत जल्दी से, उसे ढूंढने का हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। जब मैंने कहा कि इस राज की देखभाल हमको हमें करना है, नौकर की जरूरत होगी तो हम ढूंढेंगे, तुमसे कोई मतलब है? अरे पिताजी मैं तुम्हारी लड़की हूँ कि नहीं? आप लड़के तो है, बेटी हूँ, आप हमारे पिता समान हैं, लेकिन ऐसा तो लीना है कि कोई नौकर मैं ढूंढ नहीं सकती क्या? नहीं, नहीं, नहीं। चलो निकलो यहाँ से। अरे पिताजी से मत भागो। नाम जीवन बाबू है, बहुत लड़का अच्छा है। अच्छा हो या खराब हो, अरे पिताजी इसको हमें देख रहा है, तुम्हें नहीं देख रहा है? मंत्री जी काम बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया करते। कौन काम बढ़िया करते? जब तक जो चाहे वक्त कराओ। जब तक जो चाहे वक्त कराओ। नहीं नहीं करे काम, नहीं नहीं करे। अब बिटिया तुम्हारे जाने गए। अरे बोलो तुम यहाँ पर कैसे आए हो, क्या मतलब है? नौकरी की तलाश में जा रहा था, रास्ते में ये आपकी बेटी है, इसको एक उसका नाम था डाकू जंजीरा से, वो इसकी इसकी इज्जत से खेलना चाह रहा था। मैंने सोचना तो मैं आकर के आपकी लड़की की इज्जत बचा लिया। तो इसलिए पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं नौकरी की तलाश में। इसने कहा कि आप मेरे घर चलिए और मैं अपने डैडी से कह करके आपको नौकरी दिला दूंगा। इसका मतलब साला कुत्ता ही कुत्ता रहा, हंडी गई तो गई लेकिन कुत्ते की जात पहचान ली गई। वो साला अपनी निष्ठाई पे उतर ही आया, हद से कहा था ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी और वही किया। पिताजी ये अगर नहीं होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता। वहां भी आप ऐसा करिए, इसकी इसे नौकरी दे दीजिए और ये हमारी देखभाल करेगा, बहुत अच्छा लड़का है। बॉडीगार्ड जाओ, इसको 1,000 रुपया दे दो और इसको यहां से विदा कर दो। जाओ, 1,000 रुपया न दे, 1,000 रुपया दे दो उसे, दे दो। रुपया क्या काम, कौन है इनका? हम मालिक है, तुम मालिक? आप मालिक हो। मैंने जो कहा वो सुनो, वो करो। चलो लाओ, है कह दे। 1,000 रुपया खाली मूली देख कर रहा कि चलो वैसे उतना गर्म है, रुपया सेत में जा रहे। ये आपने क्या दिया? जीवन तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसके बदले में तुम्हारी हिम्मत को बहुत आग देता हूँ। और बहुत अच्छा हमारे लिए काम किया है, सुनो हमारी बात। ले जाइए रुपया, तुम्हारे घर पे और कोई रहता है? हाँ, एक मेरी माँ है, बूढ़ी,
और कोई नहीं है। तब ये क्या करो, उसकी बूढ़ी माँ है, चलो हाँ हम समझते हैं बूढ़ी माँ है, ठीक है जाओ 1000 रुपया ले जाओ, अपने पा के लिए खर्चा रख दो, राशन पानी लेके रख दो, और हमारे यहाँ एक सेनापति की जगह खाली है, आज जाओ अपने पा के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दो, उसके बाद में कल से आना ड्यूटी ज्वाइन करना, ठीक है। आप तुम भी रहा चलो जाओ, जाओ जाओ चंचीरा है सारा, कोई पूछा उसने हमारी बेबी की इज्जत पे हमला किया, जरा सा उसको खौफ नहीं रहा कि मंत्री माधव सिंह की लड़की के साथ मैं ऐसा अत्याचार करने जाता हूं। खैर शायद चंचीरा अगर तेरा इनकाउंटर न करवा दिया तो मेरा नाम मंत्री माधव सिंह नहीं है। जीवन नौकरी के लिए गया था और अभी तक नहीं आया है, नहीं तो उसका कोई पता मिला है, अगर आ जाता तो मुझे भी उसका पता मिल जाता। माँ मेरे बहुत जोर से भूख लगी है, माँ कुछ खाना हो खिला दीजिए। बेटा जीवन घर में तो खाना कुछ नहीं है बेटा, माँ बाकी के जी yeah.
आंखें में क्या बात है मां? बेटा चले आइए। अब ये ले आए, हमको अपनी बेटी से लेना चाहिए। बाड़ीघाट, अरे बाड़ीघाट जितने साले हरामी पैदा हुए हो तो 57-58 पैदा हुए हो, पूरे दिन पर नहीं पैदा हुए हो। पैजामा बांध लेते तब आते हम कि तुम्हारे गोली मार देते क्या? उल्लू का पट्टा जाओ। हमारी बेटी चित्रकला को बुला के लाओ। लेकिन पिताजी आप इतना मायूस और आपका चेहरा फीका हुआ है, इसके बारे में कुछ सियाना चाहती हूँ। किस लिए बुलाया हूँ? जानना चाहती हूँ। बोलो भैया, मैं तुम्हें तो बताऊंगा। बोलो से जाना है इंदौर। लेकिन पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, और पिताजी बहुत से है।
के भगवान को प्यारी हो गई थी। आप कह गए हमारे पिताजी, मैं इसलिए समझाती हूँ अगर कोई काम करना हो तो नौकरों के हाथ काम करवाइए, तुम्हें वहां जाने की जरूरत कोई नहीं है। बेटे चित्रकार, हाँ कुछ ऐसे खास काम होते हैं हाँ जो अपने आप से ही बनते हैं। जरूरी जाना है क्योंकि बगैर हमारे वहाँ पे काम होने वाला नहीं है। जी हाँ। और नई बात तो कहती हो हजारों है दुश्मन पिताजी तुम्हारे करो काम सब नौकरों के सहारे। जी हाँ। बात यह है इस मौत से इंसान कोई बचा नहीं है। जी हाँ। हिले रची बहाने मौत, जब किसी की मौत होगी तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा। और नई बात है की तुम घर हो और डरने की कोई बात नहीं है, हम आज जा रहे हैं फोन कर देंगे सेनापति जीवन के पास। जी हाँ। वो यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन करेगा और यहाँ की देख रेख वो खुद करेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ तो, भगवान वही अच्छा करेगा।